ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हाँ। जिसके मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो करप्शन है वो पहले नंबर पर पुलिस में है और दूसरे नंबर में अदलिया में। खान साहब आपको इलेक्शन में दिख रहे हैं, इस प्रोसेस के बाद में आपसे सबको बाकियों के केसेस चार साल के पड़े हुए, उनको उठा भी नहीं रहे हैं, सबके पड़े हुए हैं। हम लोगों ने उसी में सबको जब उखाड़ के देखते तो दीगर जमाते भी उनके साथ जो है जमाते आगे खड़ी होती है। तुझे उखाड़ क्यों नहीं रहे, तीन साल हो गए। ढाई माह में से सवाल पूछना है, ढाई माह क्यों उन्होंने फैसला महफूज रखा है। सर मुमलिकत ने ट्वीट किया शाह महमूद कुरैशी साहब के मामले के एक तो जाहिर है सदर मुमलिकत इजहार है, पार्टी तो उनकी है, वो जो कुछ भी है अपनी पोजीशन है, उसका जो इंटरनेशनल इंपैक्ट होता है वो हम अच्छे तरीके से समझते हैं। प्रेसिडेंट जब आप मेरी जेब का तलाशी लेते हैं तो आप इनकी जेब की तलाशी लेना, आप उसकी जेब की तलाशी लेना, आप मुझे सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं? आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, आप जाते रहे ना, इस 30th के बाद की छुट्टियां कर लेते ना, इस दौरान में ना करते, बिकॉज सबको पता है लोग अपील पे जाएंगे, उसमें जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन का जहां मकार चेहरा आवाम के सामने आया, वहां पर ही आज पीटीआई के सेनेटर हुमायूं अहमद और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने अदालतों के खोखले फैसलों को भी पूरे पाकिस्तान के सामने बेनकाब कर दिया और ऐसे तहलका खेज इंकशाफात पेश किए जिसे सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। नवाज खोखर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने बानी चेयरमैन की सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त पे फौरी रिलीफ अभी नहीं दिया है, आपको क्या लगता है फिलहाल इस इलेक्शन तक उनका चैप्टर क्लोज है? देखिए, अब सारी निगाहें अदालतों के ऊपर हैं। दो बड़े केसेस इस वक्त अदालतों के सामने, एक तो पीटीआई का जो बल्ले का निशान है वो इवेंचुअली उन्हें मिल पाता है नहीं मिल पाता। 9 तारीख को पेशावर हाईकोर्ट में भी केस लगाया और यहाँ पे भी ECP उसके खिलाफ अपील में चला गया, और दूसरा जो पर्सनल केस है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, तो ये मुश्किलात तो मुझे ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही फ्रैंकली। आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि सूरत हाल ऐसी बन चुकी है, स्पेशली 9th of May के कॉन्टेक्स्ट में, कि जहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि एक ख़ास व्यू के साथ PTI को देखा जा रहा है, तो मुश्किलात तो उनकी ख़त्म नहीं होनी। इसमें ये बात ज़रूर है कि जो प्रोसिक्यूशन है 9th of May की इंसिडेंट की, लोग जो उसके अंदर मुलविस थे ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन उसकी बुनियाद पे बाकी जमात की प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। खान साहब आपको इलेक्शन में दिख रहे हैं, इस प्रोसेस के बाद में आपसे पूछ, मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। ठीक है, और आने वाले दिनों में आपको लगता है कि स्टेट PTI के जो लोग 9th May में इन्वॉल्व थे उनको और पार्टी को डिफरेंट सेपरेट करके देख सकेगी, कोई हीलिंग टच होगा या नहीं? आपको लगता है कि नहीं, स्टेट जो है वो इस मामले में काफ़ी अरसे तक स्ट्रॉन्ग स्टांस के साथ जाए? अगर पाकिस्तान की तारीख को मद्देनजर रखें तो उसमें मेरा अपना जो जिस तरीके से मैं देखता हूं या जिस तरीके से मैं समझाऊं कि शहीद बीबी का दरवाज़ा उस वक्त तक नहीं खुला जब तक ज़िया साहब थे, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब का भी दरवाज़ा उस वक्त तक नहीं खुल सका जब तक मुशर्रफ साहब थे, तो अभी दौरे हाजिर में मुश्किलात इनके लिए काफी मुस्तकबिल में नजर आ रही है, लंबा अभी सफर है। सर ये अथर मिनुल्ला साहब, चीफ जो जस्टिस अथर मिनुल्ला साहब हैं, उन्होंने कहा है कि अगर मामला अपील में है तो हम कैसे मुअत्तल कर सकते हैं सजा जिसके लिए आप लोग गए उधर अदालत, और अपील इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने, हमें पता है आपको अभी भी कोई उम्मीद है कि चेयरमैन PTI इस इलेक्शन में होंगे? देखिए इस तरह है, लेट्स पुट लाइक दिस, आई एग्री विद जो अभी कहा है कि बज़ाहिर मुश्किल है, नहीं लगते आपको बज़ाहिर मुश्किल है? मेरा काम जो है ना वो कोशिश करना है, मैं आखिरी हद तक कोशिश करूंगा, मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, अपने सारे जितने भी जो दरवाजे होते हैं वो खटखटाऊंगा, हाँ। और मैं उस सिस्टम को सामने लेकर आऊंगा, उस सिस्टम से मैं, अगर वो सिस्टम बाय डिफॉल्ट बायस है, मैं उससे वो बायसिज्म निकलवाऊंगा कि वो करे दिखाए, सो दैट हमें पता चले कि कहाँ किस जगह पे है। देखिए इट्स वो अपील नहीं सुन सकते, बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं उस चीज पे, कानून की बात मैं उस पे मानता हूं, लेकिन अगर मुझे कोई ये कहे कि भाई हमारे सारे जजेस छुट्टी पर हैं और हम अगले एक हफ्ते तक हमारा बेंच नहीं बन सकता, तो मैं ये इसलिए नहीं मान सकता कि जब किसी जगह पे बड़ा एक्सीडेंट होता है और हम डॉक्टर्स छुट्टी पर होते हैं तो हमें छुट्टी से बुलाया जाता है कि ये डिजास्टर हो रहा है। इसी तरीके से इलेक्टोरल प्रोसेस, जनरल इलेक्शंस पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है, एंड इट इज़ द कोर टू, जैसे इन्होंने कहा है ना कि तीन मसले हैं, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है और सिक्योरिटी है, उसमें पॉलिटिकल इज द मेन डोमिनो, पहला डोमिनो है, वो गिर गया तो सारे डोमिनो गिर गए। अदालत को तो इन्फ्लुएंस तो नहीं कर सकते, मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, मैं देखिए सुन नहीं कर सकते, छुट्टियां खत्म करके आ जाएं, हमारा केस इन्फ्लुएंस की बात नहीं कर रहा, तो फिर कहा जाता है कि आप लोग लड़ लेंगे, आपका केस सुन ले। देखिए मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, मैं इन प्रिंसिपल बात कर रहा हूं कि इस टाइम पे हमारी, अब मुझे नहीं पता ये वकील हैं बताएंगे, अदालती हिस्ट्री हमारी बताती है जब जजेस छुट्टियों पर जाते हैं बहुत कभी रेयर कोई होता होगा। सर मेरी बात सुनिए, ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है, इसमें उनको चूंकि ये उनको पता है कि लोग ख्वाहिश है, पॉलिटिकल पार्टी की ख्वाहिश है, वो छुट्टियों पे है, सर उनको छुट्टियां हफ्ते बाद छुट्टियों पे जाते रहे ना, पहले छुट्टियों पे नहीं, 30th के बाद की छुट्टियां कर लेते ना, इस दौरान में ना करते, बिकॉज सबको पता है लोग अपील पे जाएंगे, उसमें जाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम था, इसमें सुन नहीं जाना चाहिए। देखिए बट एट द सेम टाइम इस वक्त जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं वो इलेक्शंस पूरे के पूरे फोर्स किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, वरना इलेक्शंस हमें डिले नजर आ रहे थे, और फिर स्पेशली जो ये जिसमें आप की जमात शायद ट्रैप हुई, जो पिटिशन
दायर की गई लाहौर में रिटर्निंग ऑफिसर्स के खिलाफ, तो वहां पे भी एक इलेक्शंस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया था। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ चीजें ठीक भी हुई, और लेकिन उनकी जो अपनी क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस है, जो अदलिया की क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस है, वो तो एक दहाइयों पे मुहित गलतियों के नतीजे में आज हम इस जगह पे खड़े हैं कि किसी फरीक को उसके ऊपर एतमाद नहीं होता। उनको दुरुस्त करने के लिए, अपनी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करने के लिए उन्हें काफी वक्त दरकार होगा। देखना ये आप किसी की भी नहीं रही, किसी की भी नहीं रही, किसी पार्लियामेंट की नहीं रही, पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं रही। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम पाकिस्तान को यहाँ से हमने रेस्क्यू कैसे करना है, ये जो तलखियाँ पैदा हो गई हैं इनको ख़त्म कैसे करना है, जिन रिफॉर्म्स की पाकिस्तान को ज़रूरत है उन रिफॉर्म्स को कैसे करना है। अब सिर्फ अगर आप अदलिया को उठा लें, आप चंद दिन पहले वो सर्वे आया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो करप्शन है वो पहले नंबर पर पुलिस में है और दूसरे नंबर में अदलिया में है। जो आपका क्रिमिनल लीगल सिस्टम है ये तो उसके ऊपर सबसे बड़ा वर्डिक्ट है कि यार के लोगों को एतबार ही नहीं है। तो किस कौन सी जमात है या कौन सी जमात ये गुफ्तगू कर रही है कि हमने अपने क्रिमिनल लीगल सिस्टम को और जुडिशियल सिस्टम को हमने रिवैम्प करना है, रिफॉर्म करना है, कोई गुफ्तगू ही नहीं है। किसी जमात का मंशूर आया, मैनिफेस्टो ही नहीं आया, मैनिफेस्टो ही नहीं आया अभी तक। शेड्यूल आ चुका है, कागजात नामजदगी जमा हो गए, लोग कैंपेन में उतरे में और मैनिफेस्टो ही मौजूद नहीं है। जो लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, मेजोरिटी को अपने मैनिफेस्टो के बारे में पता ही नहीं है। ये तो दूर की बात है कि ये वाला आएगा तो इसमें नई चीज होगी या नहीं होगी, पता ही नहीं है। और आदिल भाई, इस इनकॉम्पिटेंस का, इस इनकॉम्पिटेंस की असल कीमत कौन पे कर रहा है? 25 करोड़ लोग पे कर रहे हैं। इसका मतलब आप मजलूमियत का नैरेटिव लेके जा रहे हैं इलेक्शन में, 17 का लेके जा रहे हैं, 2023 का लेके, 22 का लेके जा रहे हैं आप, 77 का लेके जा रहे हैं आप, 99 का, सब अपने अपने मजलूमियत कार्ड लेके जा रहे हैं। आवाम का मसला या रिफॉर्म किसी को भी नहीं पता, किसी कोई गुफ्तगू ही नहीं है। तो ये तो एक टेक्निक है, एक ट्रिक है। वैसे मैं जरा ये सवाल आपसे करना चाहता हूं, जो कुरैशी साहब की जिस तरह गिरफ्तारी हुई है, एक जाहिर एक वाकया आई अपने तौर पर कि भाई उनको गिरफ्तार कर लिया गया 9 मई वाकयात के तसलसल में और सारा, लेकिन इस वक्त उस वाक्य को भी तशहीर के तौर पर आप लोगों की तरफ से भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और गुज़िश्ता दौर में भी मुखालफीन जो है आप लोग उनके साथ भी ये कुछ करते रहे और वो भी उसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल करते रहे। भैया मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इन जनरल हो रहा है और बाज लीडर्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन पर्टिकुलर हो रहे हैं, जिसमें आपको अदालत रिहा करती है और 3 MPO के तहत कोई ना कोई आपको अंदर कर देता है, जिसमें जैसे रहीम यार खान में PTI के कैंडिडेट और उनके जो प्रपोजर और सेकेंडर थे उनको अंदर कर दिया, जैसे जरताज गुल को DG खान में उनके जो दोनों प्रपोजर और सेकेंडर थे औरतें थी उनको गायब कर दिया है, जिस तरीके से PP 259 में डॉक्टर वो फैसल जमील है उनके प्रपोजर, ठीक है ना, ये जो हो रहा है ना ये अनप्रेसिडेंटेड है। इक्का दुक्का शायद होता होगा, कुछ होता होगा, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड है, इस तरीके से अनप्रेसिडेंटेड है, ठीक है। नंबर टू, हमारा मसला यह है कि हम लोग रियल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम लोग अपने पावर के लिए कर रहे हैं, हम लोग इस मुल्क के लिए ना कर रहे हैं, ना सोच रहे हैं, ना सोचेंगे, हमें अपनी जान वो है। मैं मिसाल देता हूँ, हमारे ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी आप लोगों ने पहले तो देखे 2.5 माह में से सवाल पूछना है, 2.5 माह क्यों उन्होंने फैसला महफूज रखा है? सर वो आपका फॉरेन फंडिंग का भी काफी अरसे महफूज रहा, आपने आवाज उठाई, सर आपने टीवी पे आवाज उठाई, मुजम्मत की थी, आप लोगों ने कहा था कि ये करें फैसला, पूरी ऑपोजिशन कह रही थी बैठ के फॉरेन फंडिंग का कैसे फैसला होना चाहिए, ठीक है ना, मेरी बात सुनो, और आप लोग उसमें दलीलें देते थे, आपकी पार्टी जब आप मेरी जेब का तलाशी लेते हैं तो आप इनकी जेब की तलाशी लेना, आप उसकी जेब की तलाशी लेना, आप मुझे सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं? आप इलेक्शन कमीशन की सिंगल आउट काहे, सबको काहे, बाकियों के केसेस 4 साल के पड़े हुए उनको उठा भी नहीं रहे हैं, सबके पड़े हुए हैं, हम लोगों ने उसी में सबको कर दिया। पार्टीज का यही रोना था कि फॉरेन फंडिंग जो कि बाद में प्रोहिबिटेड फंडिंग कहलाई, वो फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन ने जो टाइम लिया, आप लोग खामोश थे और वो रोते। मैं भी यही कह रहा हूं, सिंपल बात ये है कि जो चीज मुझे सूट करती है ना आज के दिन में मैं उसको इस्तेमाल करूं, एग्जैक्टली जो आज आपको सूट कर रही है आज करेंगे, तो माजी हम सब इसमें शामिल हैं। लेकिन इस सियासी झपटा झपटी में, इस सियासी नफसा नफसी में, अभी चंद दिन पहले एक डेटा आई आदिल भाई वर्ल्ड बैंक की, 9 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, 2.8 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा कि वो कभी स्कूल गया ही नहीं, स्कूल की शक्ल तक उसने नहीं देखी, 25 लाख नौजवान आपका हर साल जॉब मार्केट में ऐड हो रहा है, तो उनके लिए ये उनके लिए पाकिस्तान कब ठीक होगा, पाकिस्तान कब काम करेगा, ये हम लोगों का काम है ना कि उसको exactly. करना। अच्छा इसकी एक वजह मैं बताता हूँ, मैं एक वजह देखिए, अगर आप देखें ना जिस एविडेंस बेस्ड डिसीजन लेते हैं, पाकिस्तान में करप्शन है मानता हूँ, है बांग्लादेश में करप्शन है मानता हूँ, है इंडिया में करप्शन है मानता हूँ, है तो सवाल ये उठता है कि वो दोनों मुल्क करप्शन के बावजूद क्यों आगे जा रहे हैं और हम क्यों पीछे जा रहे हैं? उसकी सिंपल मिसाल है कि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी का पौधा है ना उसको कोई हर 1-2 साल बाद उखाड़ के देखता नहीं है कि इसने जड़ पकड़ी है कि नहीं पकड़ी और दोबारा लगा। उसमें एक और मसला भी है ना, वो जब उखाड़ के देखते तो दीगर जमाते भी उनके साथ जो है कि उखाड़ना नहीं, इधर जमाते आके खड़ी होती है, सर तुम उखाड़ क्यों नहीं रहे हो, 3 साल हो गए हैं। मैंने एग्जैक्टली यही शुरू में कहा था कि अभी टाइम आ गया है कि हम सारी पोलिटिकल लीडरशिप्स
मैं अपनी जमातों की बात करूं, पॉलिटिकल लीडरशिप शुड स्टार्ट टेकिंग स्टैंड। मैं ये समझता हूं दिस इज अ टाइम कि आप लोग आके कहो कि आज के बाद ये नहीं होगा। ठीक है सर, मुमलिकत ने ट्वीट किया शाह महमूद कुरैशी साहब के मामले के ऊपर। एक तो ज़ाहिर सदर मुमलिकत की ज़ाहिर पार्टी तो उनकी है, वो जो कुछ भी है अपनी पोजीशन है, उसका जो इंटरनेशनल इंपैक्ट होता है वो हम अच्छे तरीके से समझते हैं। प्रेसिडेंट की ट्वीट पाकिस्तान की पूरी दुनिया खोल के देखती है, डिप्लोमेटिक कम्युनिटीज शेयर करती हैं, वो भेजते हैं जी आज सदर मुमलिकत नहीं, बात क्या इंपैक्ट जा रहा होगा, ये कैसी स्ट्रेटेजी है मुझे तो नहीं समझ आ रहा। वो उन पर केस बनता है, अदालत उन्हें रिलीफ देती है, उन्हें विक्टिम कार्ड भी मिलता है इलेक्शन के, आप तो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं आपको पता है इस विक्टिम कार्ड का किस स्पीड से इन्हें फायदा हो रहा है, अगर ये जलसे भी करे तो वो फायदा ना हो इनको। सो विक्टिम कार्ड भी उनका जबरदस्त जा रहा है, उन्हें रिलीफ भी मिल रहा है अदालत से, इलेक्शन कैंपेन भी हो रही है, सदर मुमलिकत भी ट्वीट करके बता रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। क्या पाकिस्तान का इमेज जा रहा है, क्या मैसेज जा रहा है? इमेज के बारे में तो हम माशाल्लाह हमने कभी परवाह ही नहीं की, और हमारा इशू ही नहीं है, हमारा इशू ही नहीं है। और आज नतीजतन कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जब जाते हैं इमिग्रेशन काउंटर पे अपना सबस पासपोर्ट रखते हैं तो अगले इमिग्रेशन ऑफिसर के चेहरे के जो तासुरात होते हैं वहीं से आपको अंदाजा हो जाता है कि आपकी क्या हैसियत है। नाज़रीन, हुमायूं अहमद और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की आपने गुफ्तगू सुनी। हुमायूं अहमद ने बिल्कुल ठीक कहा कि तोशाखाना से सब ने तहाइफ लिए, लेकिन सिर्फ पीटीआई के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया, बाकी सब पार्टियाँ जिन्होंने गाड़ियाँ तक ली उनसे कोई भी पूछने वाला नहीं। सिर्फ पीटीआई को इलेक्शन के मैदान से आउट करने के लिए तरह तरह के झूठे केस भी बनाए जा रहे हैं और इनके खिलाफ प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे आया है जिसमें सबसे ज़्यादा करप्शन पुलिस में है और हमारी अदालतें दूसरे नंबर पर हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि जब हमारी अदालतों का ये हाल होगा तो बाकी सिस्टम कैसे चलेगा, बाकी कितनी ज़्यादा करप्शन है इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लें। आदिल अब्बासी ने हुमायूं अहमद से कहा कि जो कुछ निगरान हुकूमत आपके साथ कर रही है इससे आपकी इलेक्शन कैंपेन भी हो रही है, जबकि अदालतों से आपको रिलीफ भी मिल ही जाता है। निगरान हुकूमत का हर उठाया हुआ कदम आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। इस पर हुमायूं अहमद ने कहा कि ये सब इदारे मिल के जितना मर्जी जोर लगा लें, जितने मर्जी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे कर लें, पीटीआई को अवाम के दिलों से ये नहीं निकाल सकते, क्योंकि 23 करोड़ अवाम ने इमरान खान को अपना वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला कर लिया है। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।